जल्दी। और नहीं चल पाऊंगा यार मैं, अब ताकत नहीं बची यार। अरे वो देख सामने। हाँ यहाँ से स्टेट जाना है, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। अरे क्या यार, पाँच दस मिनट रुकते फिर ढूंढते पानी मिलेगा। चाय चाहिए? ₹15 एक चाय चाहिए। अरे क्या बात है यार, पानी मांग रहे थे, चाय मिल रहा है। दादा दो चाय। हे तेरे को अजीब नहीं लग रहा क्या? अरे ज्यादातर नींबू पानी बेचते देखा है, चाय तो पहली बार देख रहा हूँ। रहने देना यार, चाय रेडी है ले लो। चल यार चाय पी के लेते। क्या बात है, क्या चाय बनाई है? अरे यार यहाँ पे कोई आता नहीं, मतलब हमने जब से ट्रैक स्टार्ट किया तब से हमें एक आदमी भी नहीं दिखा। ये जगह शहर से बहुत दूर है, आने जाने के लिए बस या रिक्शा भी नहीं मिलती, और लोग बोलते हैं यहाँ भूत है, बहुत लोग की मौत हो चुकी है यहाँ पे। लोगों का कहना है कि ये जगह शापित है। ए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ए, ले, तेरे दो चाय का 30 रुपए। नहीं रे भूत वगैरह कुछ नहीं होता, अगर हुआ तो भगा देंगे उसको, हम लोग क्या भूत से कम है? तू टेंशन मत ले, ये सब लोगों का चूतिया बनाने का धंधा है। लेकिन ये जगह बहुत अच्छी है यार, शहर से दूर, शोर शराबे से दूर, अच्छा लगता है यार। लेकिन सारे कुछ लोग रहते हैं ना, गंदगी करके ही जाते हैं। 5 साल बाद इधर आ, देख कितना गंदा रहेगा, सुधरेगे नहीं लोग। और कुछ चाहिए?
तुम्हारा घर है, लेकिन ये तो गुफा है। ये मेरा ही घर है, ये पहाड़, ये जंगल सब मेरा है, लेकिन तुम जैसे लोग यहाँ पे आके इसको गंदा कर देते हो। गंदा मतलब? तुम लोग यहाँ पे दारू लेके आते हो, लड़की लेके आते हो, तो मजा करते हो, फिर कॉन्डम का पैकेट, दारू का बॉटल, चखना, ये सब यहाँ पे फेंक के गंदा कर देते हो। लेकिन लेकिन हमने तो कचरा नहीं किया। चाहे तो आप हमारा बैग चेक कर सकते हो। तूने बोला था ना कि 5 साल बाद जब आओगे तो यहाँ कचरा फैला हुआ मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसा होने देगा ही नहीं। कैसे? पता है पिछले हफ्ते एक ग्रुप आया था तुम्हारे जैसा, वहाँ पे बैठ के दारू पी रहे थे। जब मैं आया तो देखा कि सब टली पड़ हुआ है, सब टली, और यहाँ दारू का बॉटल है, वहाँ चखने का पैकेट है, सब कचरा कचरा हो गया था पूरा। देख के बहुत गुस्सा आया मेरे को। जब मेरा घर कोई गंदा करता है बहुत गुस्सा आता है, ऐसा हूँ सर फटने लगता है मेरा एकदम, और फिर मार देता है। कैसे? सब सोए थे, डर ले चाकू लिया, ऐसे खूब 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 करके फिनिश मार दिया। उसके बाद उनको इस पहाड़ से फेंक दिया। पहाड़ से फेंकने के बाद किसी को लाश भी नहीं मिला। पता है वो भूत का कहानी? वो भूत मैं ही है। वो भूत मैं है, किसी को नहीं पता कि यहाँ मैं रहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग ये बोलने को जिंदा ही नहीं रहते। हमें क्यों बांध के रखा है? मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझा समझा। हम इतने दूर खाली पीने के लिए आएंगे, इतना खर्चा करके, अरे इतना होटल से बाहर है, इसका घर है, मेरा घर है, तुम सोचो ना बस। हम क्यों गंदा करने के लिए यहाँ आएंगे? हम लोग ट्रैक करने आए, तुम्हारा घर गंदा नहीं करेंगे। लगता तुझे चुतिया है मैं? हाँ, इधर गोबर भरा हुआ है, 30 लोग को बहुत अच्छे से जानता है मैं, 30 लोग को मार के फेंक चुका इधर। पता है कैसे करेगा मैं, कैसे तेरे को मारेगा? तुम्हारा इससे पीस पीस करेगा और फिर हर जगह फेंक देगा, हर जगह, ठीक है? हाँ, अब तू बता पहले क्या काटूं? गला, हाथ, पैर या तेरा आँख? नहीं 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 नहीं, तेरा आँख काटे, कि मेरे को तेरा आँख है ना पसंद नहीं आया। मैं तो इसी को निकालूंगा। Yeah.
गण्या सब ठीक है, ये उठने से पहले बाहर जाते, चल चल गण्या वहां से चल। मैं इधर को बोला था ना यहाँ पे आना आसान है लेकिन क्यों वापस जिंदा नहीं जाता। आके फंस गया यार मैं। बैग भी घूम गया, पैसे लगे, दर्शन भी घूम गया, पूरा जिंदगी झाट हो गया साला। कहाँ फंसा दिया दर्शन ने क्या पता, कहाँ पे जाने का क्या पता। अभी दोस्त है ना पूरे छोड़ी।
मैं तो मर जाऊंगा। मैं मुझे लगता है ये पानी मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। चलो ये तो माची लग रही है मुझे। इसका मतलब यहाँ पे रास्ता भी रहेगा।